बच्चों को जिस तरह अपने कपड़े और खिलौनों में वैरायटी पसंद है, उसी तरह अपने खाने में भी वैरायटी पसंद है। बट व्हेन इट कम्स टू किड्स, वैरायटी नॉट ओनली मींस बीइंग डिफरेंट बट हेल्दी टू। सो फॉर ऑल द मॉम्स आउट देयर, आज मैं आपके लिए एक स्पेशल रेसिपी के साथ आया हूं जो आपके बच्चे बहुत पसंद करने वाले हैं, कॉर्न रोल्स। क्योंकि कॉर्न रोल्स टेस्टी भी हैं, डिफरेंट भी है, एंड बिकॉज ऑफ केनस्टार ऑक्सी फ्रायर हेल्दी भी है। और आज हम बनाएंगे अपने कॉर्न रोल्स यूजिंग दिस केनस्टार ऑक्सी फ्रायर, जो खाना बनाता है विदाउट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ऑयल। यस, ये एक हीटिंग एलिमेंट के जरिए हॉट एयर से खाने को बनाता है क्रिस्पी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल वील मेक द फिलिंग। फॉर फिलिंग वील एड अराउंड 1 tablespoon ऑफ ऑयल। देयर वी गो। वील एड सम अनियन, और इसको हम हिलाएंगे जब तक ये थोड़ा पिंकिश कलर का ना हो जाए। नाउ वील एड ग्रीन चिली, बेल पेपर्स, ग्रीन, येलो एंड रेड। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। सी द फिलिंग इज सो कलरफुल, समथिंग विच द किड्स शुड लाइक। नाउ वील एड क्रीम स्टाइल कॉर्न, देयर वी गो। इसको भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। एंड आफ्टर दैट वील एड सम विनेगर, वील एड सम रेड चिली सॉस, वील एड सम टोमेटो केचप, एंड सॉल्ट टू टेस्ट। अब इन सबको मिक्स कर लेंगे एंड वील कुक इट टिल इट्स सेमी ड्राई। एंड ऑल्सो वील एड सम पेपर टू टेस्ट, और इसको कर लेंगे मिक्स। नाउ द फिलिंग इज डन। आफ्टर दिस हम इसे ठंडा करने के लिए एक बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं। There you go. और जब तक ये ठंडा हो रहा है, हम अपने केनस्टार ऑक्सी फ्रायर को प्रीहीट कर लेते हैं 200 डिग्री सेल्सियस पे 5 मिनट के लिए। जब तक हमारा केनस्टार ऑक्सी फ्रायर प्रीहीट हो रहा है और फिलिंग ठंडी हो रही है, हम बनाएंगे अपने कॉर्न रोल्स के रैपर। अब अपने कॉर्न के रैपर को बनाने के लिए हमें चाहिए ब्रेड स्लाइस जिसके कॉर्नर्स कटे होने चाहिए। एंड प्लीज नोट, फ्रिज में रखी हुई ब्रेड ना लें क्योंकि दैट विल बी हार्ड। ट्राई टू यूज फ्रेश ब्रेड। इसको हम रख के बेल लेंगे लाइक दिस एंड लाइक दिस। प्लीज एंश्योर कि साइड्स पे आप प्रॉपरली बेलें क्योंकि वहां से ब्रेड थोड़ा उठा हुआ होता है। आफ्टर दिस इज डन, हम थोड़ी सी स्टफिंग लेंगे और इसके अंदर डालेंगे। वील पुट द स्टफिंग ऑन वन साइड एंड आफ्टर दैट वी विल रोल द ब्रेड। रोल करने के बाद इसको सील करने के लिए हम यूज करेंगे मैदे का पेस्ट, विच वील पुट टू द एजेस लाइक दिस। एंड आफ्टर दैट रोल को कंप्लीट करेंगे एंड आवर रोल इज रेडी। फिर इस रोल को हम पानी से गीला करेंगे। प्लीज इंश्योर कि आप चारों तरफ
प्रॉपरली पानी लगाएं, क्योंकि जितना प्रॉपरली आप पानी लगाएंगे उतना ही प्रॉपरली तिल इस पे स्टे कर पाएंगे. देयर यू गो. आफ्टर दिस इज डन, आप ब्लैक और व्हाइट तिल को एक बोल पे थोड़ा सा डाल लेंगे. दैट्स इट. उसके बाद इस रोल को इस पर ऐसे घुमा देंगे. सो हमारा एक रोल हो गया तैयार. नाउ टू सेव टाइम, मैंने इस तरह के 3-4 रोल्स ऑलरेडी बना के रखे हैं. हियर वी गो. And there we go. Our Canstar Oxy Fryer is already preheated. Now it's time to transfer these corn rolls into the food basket. There we go. Ah. Now, when it's gonna come out, it's gonna be healthy corn rolls, which all the kids are gonna like. Go. We put this back inside and we set the temperature to 200 degrees centigrade and heat them for 20 to 25 minutes. Around 10 se 12 minute ke baad hum ek bar rolls ko thoda turn kar denge aur uske baad phir se oxy fryer mein dal denge heat hone ke liye. Ab aap soch rahe honge, kai bar aisa hota hai ki hum bahut tasty khana banate hain, sabko bahut pasand aata hai. बट बेचारी मॉम्स सबके जाने के बाद घिस घिस के बर्तन धोती रहती. सो नाउ आई विल टेल यू व्हाट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कैनस्टार ऑक्सी फ्रायर. इसको वॉश करना है सुपर सिंपल. जस्ट टेक द बास्केट एंड द पॉट, सोक देम इन हॉट सोप वाटर फॉर 15 टू 20 मिनट्स एंड योर जॉब इज डन. और अगर आपके पास डिश वॉशर है, इट्स सेफ टू बी वॉश देयर टू. अब यहां खड़े होने से तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि कैनस्टार ऑक्सी फ्रायर अपना काम खुद कर सकता है. So I'll just go catch a power nap and be back in a bit. Power nap bhi ho gayi and I think corn rolls bhi ban gaye. Let's have a look. Wow, they smell delicious. Let's see. Okay. Bhai dekhne mein to mujhe itne acche lag rahe hain, to bacche to rukenge bhi nahi. And you know what? बच्चों को अच्छी तरह से सेट चीजें बहुत पसंद है. So before we serve it to the kids, इनको अच्छे से सेट कर देते हैं. अब आप देखिए, मन नहीं भी होगा तब भी खाएंगे. So ये corn rolls बनाकर आप खुश और खाकर आपके बच्चे खुश. All thanks to Canstar Oxy Fryer, क्योंकि ये खाना बनाता है healthy and very very fast. So it not only saves your health, but also your time. So Oxy Fryer ke aur features janne ke liye aur iske bare mein research karne ke liye, you can log on to www.oxyfryer.com. Aur agar aapke paas kuch recipes hain jo aap sochte hain ki aap Oxy Fryer mein bana sakte hain, to unhe upload karne ke liye aapko download karna padega Oxy Fryer mobile app on your phone. And let me tell you, Canstar Oxy Fryer ke saath milta hai ek awesome recipe book jisme 100 recipes hain for people like you and me. So aap wait kya kar rahe hain, aaj hi jaiye aur leke aaiye Canstar Oxy Fryer. I'm signing off, tab tak aap dekhiye recap of the recipe. Bye bye.